मेरी मेरी जिंदगी का ये एक बहुत बड़ा गौरव है और मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी टूट देखी ही नहीं। और माला और चुन्नी वगैरह तो हर जगह मतलब इतना अच्छा स्वागत करते थे कि खुद को गौरव फील हो रहा था। मतलब गौरव यात्रा करते हुए हमें गौरव फील हो रहा था, बहुत अच्छे से। I'm just sitting here. जय श्री राम, जय श्री राम, जय सियाराम, जय सियाराम। नमस्कार, तो हमारे साथ है सुनीता मुच्छाल जी एंड ये बताएंगे आपको अपनी कह सकते हैं यात्रा के बारे में जो इन्होंने की, भारत गौरव रामायण यात्रा। तो ये प्लीज आप बताइए क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, ये पहली बार ही हुआ है एक साथ 600 जनों को लेके एक ट्रिप प्लान की गई है। उसमें एक साथ ही बहुत जगह राम जहाँ जहाँ वनवास में गए थे वो सारी जगहों को हमें कवर करना था और नाइट नाइट हमें ट्रेन में सफ़र करना होता था। डे में हमें हर मंदिर और ये अयोध्या, जनकपुर, काशी और चित्रकूट, रामेश्वरम, दो तीन तो ज्योतिर्लिंग भी कवर किए थे हम लोग ने, भद्रांचलम और ऐसी अच्छी अच्छी जगह जो हमने मतलब सोचा भी नहीं था जो एक साथ में हो गया हमारे कवर। फिर एक जगह तो योगी जी वगैरह भी आए थे और हमारा सब जगह हर जगह पहुँचते ही बहुत अच्छे से स्वागत होता था। और एक बार तो ननियाल भी गए थे हम, अरे जो राम जी का नहीं, सीता जी का, जनकपुर ननियाल ही तो है। हाँ, तो नेपाल में है, नेपाल गए थे हम। अरे वाह, तो ट्रेन से आप नेपाल गए। नेपाल गए, हम्पी गए और वहाँ ननियाल में तो हमें इतना अच्छा लगा कि ऐसे ही लगा वाकई में हम अपने ननियाल ही आए। और आते ही सबने यही कहा कि आप अपने ननियाल में आ गए हैं, आप बड़े अच्छे से खुश होके जाइएगा। ननियाल में तो सब जने प्यार से खा पी के ही जाते हैं, तो ऐसा ही हमारा वहाँ पे भी बड़े आदर साथ मतलब सत्कार किया गया था, बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे साथ में हेल्पर थे, जो सारथी थे, वो लोगों ने भी बहुत अच्छे से हमारी हेल्प की, हर जगह हमें उतारने में, चढ़ने में, सामान उठाने में, खाना देने में आदर सहित हम लोग को बहुत रेस्पेक्ट से सब कुछ काम किया था हमारे साथ में। तो हमें कोई तरह की तकलीफ नहीं हुई थी, बस जरा वो ट्रेवल का जरूर था कि एसी बसेस नहीं थी, वो अब शायद उन्होंने नया प्लान किया उसमें एसी का भी रख लिया है उन्होंने। और नाइट स्टे के लिए हर जगह बहुत अच्छी होटल्स थी, सब जगह बहुत अच्छे से हमको मतलब रहना खाना सब मिल रहा था। तो एक कितने दिन का टूर था आपका? ये 18 डेज का था कंप्लीट। और कहाँ से स्टार्ट की थी आपने जर्नी? दिल्ली से एंड वापस दिल्ली में। तो कुछ इनविटेशन पे भी कुछ आपको स्पेशल एंट्री दी थी या कैसा था आपका जब आप ट्रेन चढ़े पहली बार आपने का यात्रा कर रहे थे? हाँ, नहीं नहीं शुरू में भी बहुत अच्छे से सबको स्वागत ही किया था, सबको हर जगह रिफ्रेशमेंट मिलता था, कहीं प्रसाद में लड्डू वगैरह मतलब हर जगह मिठाइयों से भी स्वागत करते थे और माला और चुन्नी वगैरह तो हर जगह मतलब इतना अच्छा स्वागत करते थे कि खुद को गौरव फील हो रहा था। मतलब गौरव यात्रा करते हुए हमें गौरव फील हो रहा था, बहुत अच्छे से। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। और आप रेलवे को क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप और ऐसी कोई यात्रा निकालें? यानी ये स्पेशल ट्रेन चली थी हम लोग के लिए, ट्रेन भी बड़ी सजी हुई थी, पेंट हुई हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था। उस ट्रेन में भी हमने बहुत फोटोएं निकाली थी, मतलब फोटोजेनिक थी ट्रेन भी, खुद भी बहुत एकदम बच्चों जैसी नहीं होती ट्रेन, वैसा लग रहा था। और ट्रेन में अंदर भी सब सुविधा थी, टॉयलेट वगैरह भी बार बार क्लीन हो रहे थे और कंपार्टमेंट भी बार बार क्लीन कर रहे थे, पानी की हर टाइम बॉटल पानी का भी हर जगह सुविधा थी बराबर, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा दूध, छाछ, सब तरह का आराम था, कोई तरह की किसी को प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी। डॉक्टर भी साथ चल रहे थे, किसी को जरा सिर दर्द भी हो जाए तो तुरंत डॉक्टर हमारे पास हाजिर था। अरे वाह, मतलब पूरा 20 दिन हमें भारी नहीं लगा, बिल्कुल ऐसा लगा कि अभी तो ये यात्रा और लंबी होती तो भी चलती। इतनी अच्छी बात है एंड हम कह सकते हैं कि 20 दिन की यात्रा जिसे कहते हैं, तो अगर हम कॉस्टिंग पे आए तो क्या रहता? नहीं नहीं, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे ले गए हैं, मतलब इतना तो बनता ही है, 63,000 लिए थे पर हेड एंड इट्स वर्थ इट, ओके। हां, इट्स ओके। एंड कुछ इंप्रूवमेंट्स कुछ अगर आप बताना चाहें? बस ट्रेवल का ही है कि वो एसी का थोड़ा गर्मी ज्यादा थी, हमें छाते भी दिए थे, टोपी दी थी, पंखियां दी थी, उन्होंने अपनी तरफ से जो जो जरूरत थी हर जगह हमें प्रोवाइड किया था उन्होंने। बट खाने का थोड़ा रहता है, खाने का भी रोज हमें पनीर की सब्जी, दाल चावल, मिक्स वेज, एक मिठाई ये देते थे और रिफ्रेशमेंट में भुजिया और मिठाई विठाई, केक वगैरह सब जगह देते थे बारी बारी, मतलब कहीं भूख का तो एहसास ही नहीं हुआ। हम अपने साथ में इतना खाना पीने का सामान ले गए थे और खोलने की जरूरत नहीं पड़ी हमें कहीं पे भी, वो सब एज इट इज हमारे वापस आ गए, इतना पेट भर भर के आगे से आगे हमें खाना मिलता था। और चाय वाई का भी कंटिन्यूस ध्यान रखा था, ट्रेन में कंप्लीट चाय की पैकिंग थी तो गर्म पानी डाल डाल के चाय बना बना के दे रहे थे, क्योंकि भारत में चाय के बहुत शौकीन हैं। हाँ, सब शौकीन है और मतलब किसी भी टाइम चाय पो, ये भी नहीं था कि खाली इवनिंग और मॉर्निंग का ही था,
एवरी टाइम चाय तैयार थी, बहुत चाय, कॉफी, ग्रीन टी, सब कुछ, अदरक टी, तो बहुत अच्छा। अगर हम जानना चाहें तो आपको ये सब कोऑर्डिनेट कैसे होता था, मतलब रात को बताया जाता तो सुबह? हाँ, हमेशा रात में हमें कल मॉर्निंग का प्रोग्राम बता दिया जाता था कि आप अभी एक ड्रेस रख लीजिए, कल मॉर्निंग में अपन यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, आपकी ये बस होगी, आपकी ये होटल होगी, सब कुछ एकदम हमारे मैसेज ग्रुप बना दिया था, उसमें मैसेज आ जाता था, प्लस वर्बली हमें आके अपने अपने कंपार्टमेंट में समझाते थे। ओके। तो किसी को कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, प्लस वो साथ चलते थे, सारथी कोच हमारे आगे आगे चलता था, हम सबको मतलब 10-15 जनों का एक कोच बन जाता था, तो वो हमको लेके गाइड करके आगे करता था, चलता था। कोई दिक्कत ना है। कई तरह की, और जहाँ कहीं कोई चलने में दिक्कत होती थी, कोई भारी शरीर वाले हो, कोई एज वाले हो, तो उनको हाथ पकड़ के भी सारथी लोग ले जाते थे, पकाएदार पूछे एंड तक ध्यान भी रखते थे, सब बहुत अच्छे से हैंडल बहुत अच्छे से किया आपको। कितनी अच्छी बात है ये। और अगर जाते जाते आपने इतना अच्छा रिव्यू दे दिया, पर जाते जाते आप एक समरी देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? आई मीन आप आगे और ऐसी कोई यात्रा आए, चाहे कृष्ण जन्मभूमि पे आए या कहीं भी, कृष्ण मैं करना चाहूंगी ये करना चाहूंगा। हाँ नहीं, ऐसा अपन घर से आती इतनी लॉन्ग यात्रा अपन घर से नहीं कर सकते एक साथ, तो ये हिम्मत नहीं हो पाती, और ये एक साथ ऐसे ग्रुप में जाने में जो मजा है ना, वो अकेले में नहीं है। आपके जो सात लोग थे वो भी बहुत ही, हाँ सब हमें एक परिवार जैसा फील होने लग गया था, सब एकदम इतने मिलजुल गए कि हमें एक दूसरे के नंबर लेके एक दूसरे को बिछोड़ते टाइम लगा कि अरे हमें एक साथ ही रहना चाहिए, मतलब इतना अच्छा लगने लग गया, सब बड़े प्रेम से एक साथ मिलजुल के जा रहे थे, और किसी को लड़ने जैसा कोई मौका ही नहीं दिया किसी ने, सारथी हमेशा हमारे साथ रहते थे, हमने आते टाइम उन सारथी को भी बड़ा मतलब ओबलाइज किया और उनको भी थैंक यू कहा, बहुत अच्छा लगा उनको, हमने तालियां बजा के उनके लिए हमने करा अभिवादन किया, उनको गिफ्ट किया। कितनी अच्छी बात है। तो यही कहना चाहेंगे अंतिम में कि IRCTC को बहुत ही कह सकते हैं बधाइयां और धन्यवाद, धन्यवाद कि इतना अच्छा उन्होंने बनाया प्रोग्राम, और इस यात्रा को करते हुए हमें गौरव भी फील हुआ, जैसे गौरव यात्रा नाम दिया पर हमें भी गौरव फील हुआ, भारत का इतिहास को जाकर देखने में भी और खुद गौरव फील करते, बहुत बहुत पौराणिक जगहें देखी हमने, स्थान देखे, बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, एंड हम आशा करेंगे कि आपको फिर मिले ऐसे ही किसी रिव्यू के साथ। और अब हमारे साथ है बाल कृष्ण जी भूप, तो प्लीज बताइए कि आपका कैसा था ये यात्रा का सफर का कैसे? मेरी जिंदगी का ये एक बहुत बड़ा गौरव है, और मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी टूर देखी ही नहीं, ऐसा मजा आया, सब साथ में, सबका साथ रहा, परिवार पूरा परिवार साथ में था, और सबने खूब मजा लिया, और सब तरह का आराम था, दर्शन का बहुत मजा आया, सबसे ज्यादा रामेश्वरम का तो पूछो ही मत, 22 कुंड, अरे एक एक कुंड गिनते गिनते हैरान हो गए, नाते नाते हैरान हो गए, पर साथ में बीमार हो गए, बहुत पर मजा बहुत आया, ठीक हो गए एकदम, और टूर का बहुत मजा आया, सबको बहुत मजा आया, थके जरूर थे मगर ऐसी टूर मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी, और थकना तो मैं कह सकता हूँ वाजिब है, आपकी उम्र जो है उसमें भी इतना जज्बा, तो ये तो उम्र तो मैंने शुरू में ही सोच लेता कि ऐसी उम्र इतनी उम्र है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जज्बा होना चाहिए, और खूब आराम से खुशी खुशी हमने ये टूर चूज की, बहुत मजा आया। तो जो IRCTC है जिसने प्लान किया था उसको आज कुछ साधुवाद या धन्यवाद करना, उनको धन्यवाद दिया, इनाम दिया, सबको धन्यवाद दिया, सब तरह का आराम था, और सब तरह सब ने खूब सेवा की, इंक्लूडिंग वहाँ डॉक्टर भी रखता था, कोच में रहता था एक, तो छोटी मोटी दवाई वहाँ मिल जाती थी, और खाना पीना तो कोई लिमिट ही नहीं थी, सही बात है, हर टाइम का कोई ना कोई, 6 बजे तो सब चाय नाश्ता शुरू हो जाता, दबा दब चलता, पहले चाय उसके बाद में नाश्ता फिर दबा दब खाना, बहुत मजा आया, जिंदगी में पहली बार इस तरह से सब साथ में रहे, अच्छा कोई टूर ऐसी नहीं की जिसमें सब इतने साथ में थे, बहन और बेटियां दोनों, सौभाग्य है ये मेरा सौभाग्य है, सही बात है, बस ओके, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ है कमला जी को, और प्लीज आप बताइए कि आपका सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा,
आनंद एकदम हो बहुत बढ़िया रहा हम सब और IRCTC कह सकते हैं। जय सियाराम। मेरा नाम चांशा है, मैं जोधपुर से भारत गौरव यात्रा के लिए, रामायण यात्रा के लिए ट्रेन में गई थी। उसमें हमको बहुत आराम मिला, बहुत अच्छी यात्रा हुई हमारे, बहुत अच्छे तरह से सब तरह के दर्शन हुए, सब तरह जगह के, और बहुत अच्छा खाना।